कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ लोहे बाजार की जानकारी के साथ। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट पे किस तरीके से आप लोहे बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। मंडी गोविंदगढ़ एशिया की लार्जेस्ट मंडी है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, एमएस इंगट के भाव के बाद कास्ट आयरन, एचआरसी, सीआरसी, कॉयल, सरिया बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप जैसे कि आपको बताया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के मोबाइल पर सबसे पहले से पहले प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करेंगे लोहे बाजार की, तो मंडी गोविंदगढ़ में आपने देखा, लगातार बाजारों में आपने देखा, बाजारों में ऊपरी स्तर से दबाव देखा गया और मंडी गोविंदगढ़ एमएस इंगट का भाव 43,300 रुपये ऊपर जाने के बाद ऊपर में सस्टेन नहीं किया और बाजार में ऊपरी स्तर से दबाव देखा गया। 42,800 रुपये तक 200 रुपये पर टन की गिरावट के साथ कल भी बाजारों में कामकाज हुआ। अगर एमएस स्क्रैप की अगर हम बात कर लेंगे, तो एमएस स्क्रैप का बाजार भी 31,800 रुपये रहा। जैसे कि हमने आप लोगों को ऊपरी रेंज बताया था कि ऊपर में बहुत ज़्यादा 43,500 रुपये के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं होगा। 32,500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तभी आपको एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी, अन्यथा बाजारों में इसी तरीके से आपको एक रेंज बाउंड, एक दायरे में एक कामकाज होता हुआ नजर आएगा। और आप देख भी रहे हैं लगातार बाजारों में एक रेंज बाउंड दायरे में कामकाज हो रहा है, क्योंकि हमने आपको लगातार बताया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं इस समय बंद हो चुके हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट इस समय नहीं चल रहे हैं, उसका असर स्टील मार्केट पे आपको देखने मिल रहा है। ग्लोबली डिमांड कमज़ोर है, उसका भी साफ असर, सीधा असर आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। और इस वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्थिति है, बहुत ज़्यादा बाजारों में आपको तेज़ी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बाजार में एक सिंपल मार्केट में एक रेंज बाउंड, एक दायरे में फंस के ही लगातार बाजारों में लगातार उसी रेंज में ही कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति रहेगी एमएस इंगट ओल्ड स्कैप के कन्वर्जन रेट की। तो एमएस इंगट ओल्ड स्कैप का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपये रहा। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं, मॉर्निंग 9:30 का आप हमारा शो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर प्लस हो रहा होगा, वहाँ पर आप जाइए और आप जाके मॉर्निंग सेशन आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मार्केट का ट्रेंड, आउटलुक और व्यू आपको वहाँ पर बताने की कोशिश करी जाती है। अब बात कर लेते हैं विदेशी बाजारों में, तो विदेशी बाजारों में आयरन ओर के भाव में आज के बाजारों में भी अगर चीन के बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं, हल्की सी नरमी देखी जा रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक 42,500 रुपये के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट बाजार में देखा जाएगा, उसके तहत से बाजारों में आप लोग एक सपोर्ट के आसपास से वहाँ से आप बाइंग इंटैक्ट करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बनने वाली है, क्या स्थिति हमारे कास्ट आयरन की बाजारों की रही, क्या स्थिति है चारसी सीआरसी क्वाइल की रही। तो जो भी अभी हमने भाव बताए आपको, बेसिक रेट है, इस पे आपको 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होगा। कास्ट आयरन मंडी गोविंदगढ़ टोका का बाजार 36,500 रुपये पे स्थिर बना हुआ है। इंपोर्टेड कास्ट आयरन का बाजार 37,500 रुपये देखा गया। अब बात कर लेते हैं एचआरसी सीआरसी क्वाइल की क्या स्थिति है। अगर लुधियाना एचआरसी क्वाइल की अगर हम बात करेंगे, तो लुधियाना एचआरसी क्वाइल का बाजार 53,500 रुपये, सीआरसी क्वाइल का बाजार 59,500 रुपये, गाजियाबाद एचआरसी क्वाइल का बाजार 56,500 रुपये, सीआरसी क्वाइल का बाजार 59,000 रुपये, कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 51,300 रुपये, सीआरसी सीट का बाजार 58,600 रुपये। तो ये भी सारे बेसिक रेट हैं, इस पर 18% जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस आपको अलग से दे होगा। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये एचआरसी सीआरसी कॉइल में काफ़ी दिनों से कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। एचआरसी सीआरसी में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से आप देखते हैं कि रेट्स अपने रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से रेट उन्होंने रिवाइज नहीं करे हैं, क्योंकि फॉरेन के बाजारों में भी कोई अच्छी तेज़ी बाजारों में अभी तक नहीं देखी गई है, उसका असर आपको घरेलू बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। तो रायपुर एचबी वायर में अगर बात करेंगे, तो हल्की सी नरमी के साथ कामकाज हो रहा है। रायपुर एचबी वायर का बाजार 46,300 रुपये, जीआई वायर का बाजार 50,100 रुपये रहा।
एमएस पाइप में अगर गोविंदगढ़ पाइप की अगर हम बात करेंगे तो 45,000 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 43,200 रुपए रहा, लगभग 2-2, 3-3 सौ रुपए पर टन की बाजारों में, सभी बाजारों में गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के तहत आप देख रहे हैं ये भी बेसिक ही रेट है और हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं बेसिक रेट है, इसमें 18% जीएसटी कोई भी ब्रांडेड नहीं है, बेसिक रेट है 18% जीएसटी, लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस आपको अलग से देना होता है। अब बात करेंगे टीएमटी क्या स्थिति है, तो सरिया बाजारों की अगर बात करेंगे तो सरिया बाजारों में बहुत से लोग को जानकारी जाननी होती है कि सरिया बाजार में क्या स्थिति है, सरिया बाजारों में किस तरीके से कामकाज करेंगे। तो सरिया बाजार में अगर मंडी गोविंदगढ़ की अगर हम बात करें तो 47,500 रुपए के आसपास ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। बाजार में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहा है, जिस हिसाब से इंगट पर गिरावट आई है उस हिसाब से सरिया के बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट के आसार नहीं है। सरिया में अगर आप देखेंगे इंगट पर अगर 500 रुपये टूटेगा तो सरिया में 200 से 300 रुपये गिरावट आएगी, बड़ी गिरावट के आसार नहीं है क्योंकि सरिया के भाव ऑलरेडी अपने बॉटम के आसपास हैं और निचले स्तर से लगातार आप देख रहे हैं कि खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है, इस वजह से आपको वहां से आपको खरीदारी एक बाउंसबैक आता हुआ भी दिखाई देता है। इसी के तहत दुर्गापुर का बाजार 43,200 रुपए, इसमें भी 200 रुपए से 300 रुपए पर टन की नरमी के साथ कामकाज हुआ। इंदौर का बाजार 48,100 रुपए हो गया। रायपुर की अगर सरिया की अगर हम बात करेंगे तो 44,000 रुपए, जयपुर सरिया का बाजार 45,400 रुपए रहा। मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करेंगे 44,700 रुपए, भावनगर सरिया 48,500 रुपए, गाजियाबाद का सरिया 47,000 रुपए, जलना का सरिया 49,300 रुपए, पटना का सरिया 43,800 रुपए पे कामकाज देखा गया। अब बात कर लेते हैं हमारे मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, उसके साथ साथ स्पॉन्ज आयरन का रेट हमने जो ऐड कर दिया, स्पॉन्ज आयरन में क्या स्थिति है। तो स्पॉन्ज आयरन एक प्रकार का रॉ मटेरियल है जिससे कि आप देखते हैं जैसे आयरन ओर के रेट होते हैं उसी तरीके स्पॉन्ज आयरन के रेट होते हैं। तो ये आयरन ओर के रेट पर अगर गिरावट आती है तो इसका असर आपको घरेलू आपको इंगट और टीएमटी के बाजारों में देखने को मिलता है। तो इसी से मैन्युफैक्चरिंग होती है क्योंकि तो मंडी गोविंदगढ़ में 100 रुपए टन गिर के 23,900 रुपए का स्पॉन्ज आयरन का भाव रहा। दुर्गापुर स्पॉन्ज का आयरन का भाव 27,200 रुपए हो गया। रायगढ़ स्पॉन्ज आयरन का बाजार 27,500 रुपए, रायपुर का बाजार 31,000 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया, जबकि राउरकेला का बाजार 26,500 रुपए पे कामकाज हुआ। यह भी सारे पर टन के ही रेट हैं, 1000 केजी के रेट है, इस पर आप लोडिंग एंड लोडिंग का चार्जेस प्लस 18% जीएसटी आपको लगाना होगा। आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे तो आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल अगर हम देखें तो मंडी गोविंदगढ़ में 42,500 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 43,200 रुपए का, पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,500 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 32,200 रुपए का देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड जो है एक दायरे में ही कामकाज होगा, बहुत ज्यादा बाजारों में ना ही गिरावट है ना ही बहुत ज्यादा आप बाजारों में यहां से तेजी देखने के लिए मिलेगी, एक रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ नजर आएगा। तो आपको खबर में दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में अपना फीडबैक दे दीजिए और जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस आपको जानना है तो मॉर्निंग सेशन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके की एक्सक्लूसिव कंटेंट आप रोजाना अगर जानना चाहते हैं तो आप ज्वाइन का बटन आप यूट्यूब पे दिया हो, फेसबुक पे आप अगर देख रहे हो तो वहां पर भी सपोर्ट का बटन होगा, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन का बटन सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।